तो जी हाँ दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे नई वैकेंसी को। तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियाँ निकली हैं। यहाँ पे एसआई, एएसआई, कांस्टेबल सभी के लिए जो है यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ में भर्तियाँ निकली हैं। देखते हैं क्या है ये भर्ती। सबसे पहले तो इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 20 जुलाई से स्टार्ट होगी और 31/8/2020 तक इसमें जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होगा, 20 जो है दिसंबर 2020 को जो है एग्ज़ाम होगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो भर्तियाँ जो है यहाँ पे एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी के लिए भर्तियाँ हैं, इंस्पेक्टर के लिए हैं, सभी के लिए आप यहाँ पे भर्तियाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे इंस्पेक्टर की भर्तियाँ हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ हैं, कांस्टेबल की भर्तियाँ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियाँ हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। सबसे पहले अगर मैं इंस्पेक्टर की भर्तियाँ इसमें देख सकते हैं आप, इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, बीएससी आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका विद न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होना चाहिए और डिप्लोमा आपका डाइटिशियन में होना चाहिए, तभी आप इंस्पेक्टर डाइटिशियन के लिए फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एसआई स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 12th पास आपका होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है 12th में जो है साइंस आपका होना चाहिए, बायो होना चाहिए और 3.5 साल का जो है आपका क्या होना चाहिए, नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, सब इस पर एसआई की भर्तियाँ आई हैं रेडियोग्राफर के लिए, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, 10+2, इसमें आपको 12th इंटरमीडिएट से होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको रेडियोग्राफी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की भर्ती आ रखी है, इसमें आपको फार्मासिस्ट में आ रखी है भर्ती। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, 2 ईयर का आपको फार्मेसी बी फार्मा आपका होना चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं तरह तरह की वैकेंसियाँ हैं और आप यहाँ पे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको पा सकते हैं। ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल की है, एएनएम और मिडवाइफ की, आप देख सकते हैं सभी के लिए अलग अलग। कुछ भी आपको दिक्कत है आप मुझे बताएं, आपको पूरा मैं नॉलेज दे सकता हूँ और दूंगा। हेड कॉन्स्टेबल डायलिसिस की भर्तियाँ हैं, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिगार्डिंग जिस चीज़ की वैकेंसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। अब बात करते हैं इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कुक, सफाई वाला सभी की भर्तियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखो कैसे कैसे आप भर्तियाँ भर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि फ़ी कितनी पड़ेगी, आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो जो एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, उनके लिए कुछ भी फ़ीस नहीं है। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और ओबीएस के हैं, उनको 200 रुपीज़ की फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें 2 प्रोसीजर में सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका फ़िजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका लिया जाएगा। फिजिकल में जो भी होता है हाइट वीट सब आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूँगा, आप देख लेना वहाँ पे। आप पूरा पढ़ूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालमपुर में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अभी मैंने बताया था आपको, 200 रुपीज़ जो है वो ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और जो एससी एसटी है उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। अब देखो फ़ी पेमेंट कैसे करना होगा, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होगा, या तो आप पोस्टल ऑर्डर लगाएं पोस्ट ऑफिस से, या फिर आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, ड्राफ्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो ड्राफ्ट है वो इस नाम से बनाना होगा, किस नाम से, या पोस्टल ऑर्डर या जो ड्राफ्ट बनाएंगे वो बनाना पड़ेगा DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेएबल एट SBI। ठीक है, इस तरह से करना होगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है। 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 31 अगस्त तक चलेंगे। ठीक है, इसके लिए यही दे रखे हैं, बाकी
यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे रिटर्न भी इसका होगा। रिटर्न पहले फिजिकल होगा फिर रिटर्न होगा। रिटर्न का भी मैं बता देता हूँ अगर इसमें लिखा हो तो उन्होंने, ठीक है, रिटर्न का भी आपको बता देता हूँ मैं अगर इसमें दिखता है मुझे तो, वरना आप ढूंढ लेना। रिटर्न का भी इसमें दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है, रिटर्न का भी दे रखा है कि रिटर्न किस तरह से होगा। ये देखो यहाँ पे ये रिटर्न टेस्ट का है, आपका 10 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश और हिंदी कंपैरिजन के 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। ये रिटर्न एग्ज़ाम आपका ये होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपका जो रिटर्न होगा ये 50 नंबर का, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का होगा, जनरल स्टडी से पूछा जाएगा, और बाकी 50 क्वेश्चंस 50 नंबर का जो है आप जिस ट्रेड से हैं, अगर आप डाइटिशियन हैं या फिर आप जो भी जिस चीज़ के लिए आपने सेलेक्ट किया है उस 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर लास्ट में आपको एक फॉर्म मिलेगा, अगर आप इच्छुक हैं तो ये फॉर्म आपको उनको भर के भेजना है। ये फॉर्म है यहाँ पे, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसका प्रिंटआउट निकालना है, इस पर आपको फॉर्म भरना है, डिटेल्स भरनी है और डिटेल्स भर के जो है इनको भेजना है विद, अगर आप OBC EWS से आते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको भेजना पड़ेगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो इस तरह से हैं, यहाँ पर आप देख लेना, जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कोई भी दिक्कत आप कमेंट करें मुझे बताएं, थैंक यू सो मच।